खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीजल के ऐतिहासिक कोल प्लांट पर लोहा चोरों ने बोला धावा, मौके पर पहुंची पुलिस, अपराधियों ने पुलिस पर किया पथराव, जवाब में पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग, मौके से लोहा लदे एक पिकअप माल वाहक जब्त। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी दो दिन के हड़ताल पर, हड़ताल से गिरिडीह के तमाम बैंक में लटका रहा ताला, बैंकिंग से जुड़े तमाम काम प्रभावित। मोटरसाइकिल फाइनेंस का पैसा नहीं देने के सवाल पर दो पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट से अफरा तफरी का बना माहौल। और बेंगाबाद में कोयला लदे अनियंत्रित ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में ड्राइवर समेत तीन लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। सीसीएल परियोजना के एकमात्र ऐतिहासिक कोक प्लांट का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। प्लांट बंद रहने से लोहा माफिया लोहे को टपाने में लगे हैं। सोमवार अहले सुबह भी चोरी की वारदात हो रही थी, लेकिन एन वक्त पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को इस दौरान 5 राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मौके से पुलिस ने एक पिकअप माल वाहक जब्त की। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के कोक प्लांट पर लोहा माफिया के गुंडों ने ढावा बोल दिया है। गुंडे बाजप्ता मालवाहक खड़ा कर कोक प्लांट से लोहा की कटिंग करके उसे लाद रहे थे। इसकी भनक मिलते ही सीसीएल सुरक्षा कर्मी पहुंचे तो अपराधियों ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि इससे सुरक्षा कर्मी डरे नहीं बल्कि मुकाबला करने की ठानी और दो बार हवाई फायरिंग की। इस बीच इसकी जानकारी मुफस्सिल थाना प्रभारी को मिल गई। थाना प्रभारी के निर्देश पर सहनी अनिल उरांव पहुंचे, तब तक अपराधी भाग चुके थे। मौके से एक पिकअप मालवाहक जब्त किया गया है। पिकअप पर भारी मात्रा में लोहा लदा है। दरअसल सीसीएल के बंद पड़े कोक प्लांट पर लोहा माफिया अक्सर धावा बोलते हैं और यहां से लोहा की कटिंग कर इसे कबाड़ी या कुछ एक फैक्ट्री में खपाया जाता है। ऐसे में इस प्लांट की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कर्मियों को रात में कई दफा गश्त करनी पड़ती है। सोमवार की सुबह लगभग 3:30 बजे जब सुरक्षा कर्मी गश्त कर रहे थे तो कोक प्लांट से आवाज सुनाई दी। दो तीन गार्ड जब नजदीक गए तो देखा कि प्लांट के अंदर एक वाहन लगा है। इसके बाद सुरक्षा गार्ड रतन मंडल, रिंकू कुमार, फागु मरांडी, अनिल मुंडा, डोमन यादव, मनोज और नागेश्वर आ पहुंचे। सुरक्षा गार्डों ने अपराधियों को भागने को कहा लेकिन अपराधी डटे रहे। अपराधियों ने उल्टा गार्डों को भागने को कहा और पथराव भी कर दिया। इसके बाद गार्डों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस बीच पुलिस भी पहुंच गई, हालांकि तब तक अपराधी भाग चुके थे। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग को यहाँ पता चला कि गाड़ी घुस रहा है कोक प्लांट में। तो हम लोग माइंस में थे, माइंस को छोड़ के पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ छोड़ के आए, आके यहाँ ब्लॉक किए, थाना को फोन किए, थाना गाड़ी आई, उसके बाद अंदर आए और चोर लोग को देखे, मतलब चोर लोग आ रहा था तो हम लोग को देख के भाग निकल भाग गया। और उसके बाद थाना गाड़ी भी सब साथे घुसे और देखे गाड़ी जब्त हुआ, देखे लोहा इसके अंदर लोड है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी सोमवार को हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आहूत की गई है। बैंकिंग सेक्टर में उपजे इस विद्रोह का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को निजीकरण करने का फैसला लेने के बाद हुआ है। हड़ताल से गिरिडीह के तमाम बैंक बंद रहे जिससे बैंकिंग से जुड़े सभी काम प्रभावित हुए। बैंकों के निजीकरण के विरोध में सोमवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान बैंकों के बाहर आकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बैंक बंद रहने से लेन देन का काम प्रभावित हो गया है। बैंक कर्मियों ने यह हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर किया है। एक्सिस बैंक के सामने की सभी हड़ताली कर्मचारियों का जुटान हुआ और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। मंगलवार को भी बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी। बताया जाता है कि गिरिडीह जिले में 22 बैंक संचालित हैं, जिसमें करीब 200 के आसपास संबंधित बैंक की शाखाएं हैं। एक दिन में सरकारी बैंकों में लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। दो दिन हड़ताल के कारण बैंक बंद होने से यह सारा लेन देन नहीं हो पाएगा। हड़ताल का सबसे अधिक प्रभाव सरकारी कामकाज पर हुआ, क्योंकि अधिकतर सरकारी लेन देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही होता है। स्टेट बैंकों के माध्यम से अपने कारोबार के लिए
लेन देन करने वाले व्यापारियों को भी दिक्कतें आई हैं। बताया जाता है कि सरकार हर दिन बैंकों के निजीकरण करने में जुटी है। इसके विरोध में फॉरम ने 15 व 16 मार्च को दो दिन लगातार हड़ताल करने का फैसला किया है। दो दिन की हड़ताल का बैंक कर्मचारी वेतन नहीं लेंगे। हड़ताल के पहले दिन विभिन्न बैंकों के कर्मियों का एक्सिस बैंक के बाहर 12 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी रहा। कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उसकी नीतियों का विरोध किया। यूनियन के गिरिडीह अध्यक्ष अशोक चौरसिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। हड़ताल के कारण बैंकों में ताले लटके रहे और सभी तरह के बैंकिंग कार्य ठप हो गए। हड़ताल के कारण पूरे जिले में करीब 60 से 70 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। गिरिडीह में इस हड़ताल को सफल बनाने में अध्यक्ष अशोक चौरसिया, संयोजक दिलीप कुमार, बेंजामिन मुर्मू के साथ साथ कई अधिकारियों और कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रतिवर्ष ऑपरेटिंग लाभ अर्जित कर देश के सृजन में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में शासित सरकार ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से ये घोषणा की कि आने वाले दिनों में IDBI बैंक के अलावा दो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साथ एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। बजट भाषण में कहा है कि IDBI बैंकों के अलावा दो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजीकरण किया जाएगा, यानी कि निजी हाथों में सौंपा जाएगा। इसी के विरोध में हमने यह सांकेतिक दो दिवसीय हड़ताल पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर करी है। पूरे देश के सभी बैंकों में आज और कल दो दिन ताला लटका रहेगा। और सरकार को हम बताना चाहते हैं कि सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें बैंकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोरोना जैसे महामारी में भी सभी बैंक स्टाफ ने, नोटबंदी जैसे विकट परिस्थिति में भी 12-12 बजे रात तक बैंक कर्मियों ने सरकार की योजनाओं में पूरा भरपूर साथ दिया। ऐसे में बैंकों का निजीकरण करना काफ़ी हास्यास्पद और इससे आम लोगों पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। रोजगार के अवसर खत्म होंगे, ठेकेदारी प्रथा पुनः वापस आएगी और इससे फायदा होगा सिर्फ चंद कॉरपोरेट घरानों की, बाकी 95-96% देश की जनता पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आप सबों को विदित है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड सरकारी संस्थाओं के विनिमय के कारण जो उनका हम लोग ना दो दिनों का UAPO जो कि 9 बैंक यूनियन और का संगठन है, उन्होंने दो दिनों के इसी खिलाफ सरकार की इस मजदूर विरोधी, जन विरोधी और देश विरोधी नीति के खिलाफ हम लोगों ने दो दिनों का सांकेतिक हड़ताल दिया है। कि अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन क्यों, आपको मालूम होना चाहिए कि हम सबों का, देश के नागरिकों का सपना है कि हमारा देश दुनिया का अग्रणी देश में शामिल हो। और इसके लिए जरूरी है कि वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरी है। फाइनेंशियल भी कुछ नहीं है, 130 करोड़ जनता के घर तक सारे वित्तीय सहायता, जितनी भी बैंक की सहायता है वो उनको पहुंचाना, और ये काम हम पहले से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जनधन योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा, जितने भी सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हो, चाहे आपको योजना KCC हो, उसके अलावा आपको मुद्रा लोन हो, अभी देखिए वेंडर्स लोन है जो एक एक वेंडर को सरकारी बैंकों ने दे दिया 98%, 25 लाख वेंडर को 2500 करोड़ रुपया मिला है। ये जस्ट लॉन्च स्कीम है, उसको सरकारी बैंकों ने 98% दिया है, प्राइवेट बैंक 2% भी नहीं है। इस तरह की सारी योजनाओं को हम सरकारी बैंक धरातल पर उतार रहे हैं जिससे आप भी वाकिफ है। और ऐसे में मेरे को समझ नहीं आता है कि प्राइवेट सरकारी बैंकों का निजीकरण करने से क्या लाभ होगा। Who will serve this 3 million of Indian people जिनको यह सर्विस की जरूरी है। अगर इसके उलट अगर प्राइवेट बैंकों के हाथ दे देते हैं तो हमारा दोहन होगा, हमारा सर्विस टैक्स, जितने भी सर्विस चार्ज बढ़ जाएंगे, डिपॉजिट का रेट घट जाएंगे, हमारे जनता का जो घर की कमाई है वो सुरक्षित नहीं रहेगी। सो बहुत सारी बातें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई है। मैं सीधा अपनी पेशी कि सरकारी बैंक को निजीकरण नहीं हो, इसकी सीधी पेशी
हम अपने डेमोक्रेसी के सबसे मजबूत स्तंभ प्रेस के माध्यम से और डेमोक्रेसी का सबसे सबसे बड़े सबसे महत्वपूर्ण जनता के दरबार में अपनी पेशी करते हैं और वही बताएं कि क्या बैंकों का सरकारीकरण होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो हम उनसे आग्रह करते हैं, विनय करते हैं कि देश की जनता हमारे संघर्ष में साथ दे और अगला अगर सरकार मेरी बात नहीं पूछती है तो हम अनवरत स्ट्राइक करें। मोटरसाइकिल फाइनेंस का पैसा नहीं देने की बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर झड़प हो गई। मारपीट के कारण कुछ देर के लिए स्थिति अफरा तफरी की हो गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक के समीप मोटरसाइकिल फाइनेंस का पैसा नहीं देने के बात को लेकर दो पक्षों में जमकर झड़प हो गई। झड़प के दूसरा रूप देने के लिए एक पक्ष ने कुछ अज्ञात लोगों पर मारपीट कर 50,000 रुपए छीन कर फरार हो जाने का आरोप लगाया, लेकिन मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने मामले को सुलझा लिया। बताया जाता है कि गांडे के रहने वाले मोहम्मद शमशेर अंसारी और बसीर अंसारी किसी काम से गिरडी आए थे। इसी बीच टावर चौक के समीप दोनों का मुलाकात बिशुनपुर पचम्बा निवासी सागर मियां के साथ हो गया। बताया जाता है कि शमशेर अंसारी और बसीर अंसारी पर मोटरसाइकिल फाइनेंस का बकाया पैसा मांगने पर विवाद शुरू हो गया। यह विवाद मारपीट तक आ गया। इसी बीच टावर चौक के समीप स्थित अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत करवाया। सात लड़का था। ये कहाँ का है? बड़ी मार मारा है। बोलने को किसी को नहीं दे रहा था, नहीं देख रहे झूठा बोल भाई। हाँ मारपीट किया, पैसवा नहीं दे रहे थे इसीलिए। कितना अभी मेरा पास 50 है इसमें, मांग रहा था नहीं दिए तो गाड़ी में बैठा के हम लोग को चोर बोल रहा था कि लोग मोटरसाइकिल चोर है। जब पब्लिक घेर लिया ना तो बोलने लगा कि मोटरसाइकिल चोरी लोग है। इसमें 50,000 रुपया था, निकाल लिया, ही पैसा नहीं निकाल सका एक पैसा। यार सुना तो हमने निकाले तो कौन था उन लोगों को पहचान रहे हैं? कहाँ घर आने वाला? पहचानते हैं, पता करके बताते हैं। आप कहाँ से हैं? इधर 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 बेगाबाद चतरो मुख्य मार्ग के विष्णुशरण गांव के समीप कोयला लदा अनियंत्रित ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे का कारण टायर फटना बताया जा रहा है। घटना में ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोयला लदे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक पर सवार ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए। हादसे का कारण ट्रक का टायर फटना बताया जा रहा है। हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण सभी लोग बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग विष्णु शरण गांव के समीप बीती रात करीब 3 बजे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कोयला लदे ट्रक बेंगाबाद की ओर से चतरो की ओर जा रहा था। जाने के क्रम में अत्यधिक रफ्तार होने के कारण ट्रक का टायर ब्लास्ट हो गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में पेड़ में जोरदार टक्कर मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य में जुट गई। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में रात करीब 3 बजे नियंत्रित होकर के गाड़ी मतलब बेंगाबाद मुख्य बाजार से होते हुए चंद्रपुर की ओर जा रही थी जी। उसी क्रम में एक दैना चक्का उड़ गया इसका, इसी बीच नियंत्रित हो गया, इसी में 3 लोग घायल हो गए। वो ड्राइवर था, एक खलासी था और क्षतिग्रस्त हुई है। ये कहाँ घटना है? ये अब बिश्नी सरन की है। अच्छा रात घटना है ये? रात 3 बजे। झारखंड मारिक ताती बुनकर समाज की एक बैठक मकतपुर स्थित जीडी चलान धर्मशाला में संपन्न हुई। बैठक में मरीक समाज की मजबूती और संगठन विस्तार के साथ नई कमेटी की गठन की गयी। झारखण्ड मरीक ताती बुनकर समाज की एक बैठक मकतपुर स्थित जीडी जलान धर्मशाला में संपन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष विजय कुमार ताती ने किया। बैठक में मरीक समाज की मजबूती और संगठन विस्तार के साथ नई कमेटी की गठन की गई। बैठक में समाज की मुख्य मांगे मरीक जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की गई, साथ ही समाज को कैसे मजबूती प्रदान करें इस पर भी गहन चर्चा किया गया। बैठक में शामिल होने आए आगंतुक अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष बनारसी मरीक, सचिव बहादुर तांती, बंसी ताती, मंटू ताती, राजेश ताती, नारायण मरीक, भोला ताती, दिलीप ताती, चेतलाल ताती, दीपक ताती सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। अगर हम दस और अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ऐसा एक टीम बने जो कि जो अभी जिला कार्यकारिणी के सदस्य जो बनने थे वो सब वर्षों से काम कर रहे हैं, 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, ये हुआ है उन्हें क्या कुछ नहीं। जब भी मतलब जिला धर्मशाला में आश्रम मरीक समाज का एक बैठक रखा गया है जिसमें हम लोग को कमेटी का निर्माण करना है और हम लोग को सारे जो समस्या आ रही है जाति आवासीय बनाने में विशेष से हम लोग संगठन बना करके हम लोग अपने सारे समाज के लोगों को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं विजय कुमार प्रसाद, आज हम लोग अपने मरीक ताती समाज का बैठक जीडी जलाम धर्मशाला गिरिडीह मकतपुर में किए हैं। इस आशा से किए हैं कि सरकार हमें और हमारी जाति को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग मरीक ताती समाज के लोग मिलकर एक संगठन एक कमेटी गठित कर रहे हैं जिसकी अध्यक्षता मैं विजय कुमार हूं और सचिव हमारे बहादुर ताती जी हैं और मंटू ताती जी कोषाध्यक्ष के रूप में हैं और मीडिया प्रभारी रवि जी हैं और राजेश ताती सहयोगी के रूप में हैं। हम लोग यह चाहते हैं कि सरकार हमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करे क्योंकि वो मरीक जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारे सरकारी गजट में मरीक जाति का उल्लेख नहीं है, तो मैं किस प्रकार मरीक जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करूं। इसीलिए हम लोग ये लड़ाई सरकार से लड़ने के लिए एक संगठन तैयार कर रहे हैं मरीक ताती समाज उत्तर गिरिडीह झारखंड, और ये समाज जहाँ तक होगी अपने समाज के लिए लड़ेंगे और प्रदेश लेवल के भी लड़ाई लड़ेंगे। गावा में बस पड़ाव नहीं होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस पड़ाव नहीं रहने से यात्री बस को भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी कर दी जाती है जिससे व्यवसायी व आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गावा प्रखंड मुख्यालय में बस पड़ाव रहने के बावजूद भी बस मालिक वाहन को बाजार व सड़क के किनारे ही लगाते हैं। वाहन चालक सड़क को ही बस स्टैंड के रूप में धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें न सिर्फ वाहनों को आने जाने में परेशानी होती है बल्कि बाजार के व्यवसायी व आम लोगों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। NH व प्रखंड मुख्यालय होने के कारण रास्ते में वाहनों का आना जाना लगा रहता है। बस पड़ाव में झाड़ी और पेड़ पौधे हो गए हैं। बस पड़ाव का बिल्डिंग के चारों तरफ झाड़ियाँ हो गई हैं जिससे बिल्डिंग दिखाई ही नहीं देता है, जबकि सरकार को हर वर्ष गांवा बस स्टैंड के नाम से लाखों रुपया राजस्व दिया जाता है, उसके बाद भी सरकार को इस ओर नजर नहीं पड़ रहा है। वहीं बाजार का अधिकांश सार्वजनिक स्थल व सड़कें वाहन चालकों के कब्जे में रहते हैं। इसके अलावा अन्य चौक चौराहे भी वाहन पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। गांवा से गिरिडीह, कोलकाता, रांची, पटना, हजारीबाग, धनबाद, पेहरा, मालडा, देवघर, टाटा, गुड्डा समेत अन्य जगहों के लिए 24 घंटे वाहन चलते हैं। इसके अलावा थाना मोड़, डाकघर के समीप कई जगहों पर ऑटो चालकों के द्वारा सड़क पर ही वाहन खड़ा करने से दिन भर जाम लगा रहता है। सड़क पर ही वाहन लगाकर यात्रियों को उतारने या चढ़ाने में घंटों समय लगता है। इस दौरान अन्य वाहन चालक व राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। बाजार से बाहर बस पड़ाव का जीर्णोद्धार कर वहीं पर बस लगाया जाए
जिससे राहगीरों को परेशानी व सड़क जाम से लोगों को निजात मिल सके। बस पड़ाव के नाम पर सरकार के द्वारा प्रति वर्ष राजस्व की वसूली की जा रही है, लेकिन बस पड़ाव का निर्माण नहीं करना समझ से परे है। स्थानीय लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक से भी निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। फंडिंग के द्वारा उनको तैयार किया गया, उसमें शौचालय का व्यवस्था और भी व्यवस्था करवाया गया, लेकिन उसको आज तक मतलब सारा क्रियाकलाप करने के बावजूद भी जैसे सरकार को कर जाता है, क्योंकि हर साल टेंडर होता है टोल का और भी बहुत सारा चीज़ है जो होता है, लेकिन इन सब क्रियाकलापों के होने के बावजूद भी आज तक बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया, और फलस्वरूप देखने को मिलता है कि आए दिन सभी गाड़ियां जो है बाज़ार में लगी होती है, जिसके कारण जाम भीड़ भाड़ लगा होता है, और जिस कारण वह भीड़ भाड़ में जो है दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अन्यथा मैं स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि आप इसको संज्ञान में लेते हुए उचित कदम उठाएं ताकि जो है जनता लाभ इसका लाभ ले सके। बस स्टैंड ऑलरेडी आगे बना हुआ है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां जानबूझकर रोड पर खड़ा कर देते हैं लोग, और इससे आए दिन एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। हाट बाज़ार का दिन हो या और दिन, हमेशा भीड़ भाड़ बना रहता है। अपनी प्राइवेट गाड़ियों को भी लोग खड़ा नहीं कर पाते हैं रोड पर, इतनी सारी गाड़ियां लगी रहती हैं, और इस कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हम लोग तो हमेशा ही चाहे हैं कि आगे जो स्टैंड बना हुआ है वो स्टार्ट हो जाए और आवागमन का साधन और यात्रियों को भी सुविधा हो जाए। पड़ा गावा का बस स्टैंड जो अभी तक अधूरा ही पड़ा है, उन्हें चालू नहीं हुआ है, और गावा बाज़ार में जो बस लगती है उससे दुर्घटना कभी भी हो सकती है। यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, और बस गावा के बस स्टैंड में लगना चाहिए, जो सरकार द्वारा सालों से वहाँ पड़ा हुआ है, बस वहाँ पर लगती नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले सदर प्रखंड के कोयरी टोला मध्य विद्यालय में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले सोमवार को पचम्बा स्थित मध्य विद्यालय कोयरी टोला के प्रांगण में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकार के अध्यक्ष बीना मिश्रा और सचिव संदीप कुमार बर्तम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आगंतुक अतिथियों ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से उपभोक्ताओं के अधिकार को बताया। कार्यक्रम को स्थायी लोक अदालत के सदस्य सुरहित सिन्हा, पैनल अधिवक्ता अंजनी कुमार सिन्हा, गोपाल रजक ने भी संबोधित किया। मौके पर श्रम विभाग के द्वारा मजदूरों के बीच शॉर्ट पैंट का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में कामेश्वर कुमार, मंजू शर्मा, धीरज कुमार, शारदा कुशवाहा, सुबोध कुमार, सुनील कुमार यादव, महेंद्र वर्मा, रुक्मणी देवी, मोहम्मद अल्ताफ शामिल हुए। LIC समेत अन्य निजी कंपनियों को निजीकरण किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को LIC गेट पर निगम से जुड़े अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के समय प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाने के निर्णय लगातार विरोध किया जा रहा है। सोमवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के समय प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ LIC क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन तथा विकास अधिकारी संघ NFIFV के ज्वाइंट फॉर्म के द्वारा किया गया। संबंध में जानकारी देते हुए संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार LIC का IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का निर्णय ले चुकी है। LIC इस देश की आर्थिक रीढ़ है, ऐसे में LIC का विनिवेशीकरण करना देश के लिए घातक है।
इन तमाम मुद्दों को लेकर LIC यूनियंस के संयुक्त मोर्चा के द्वारा 18 मार्च 2021 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जाएगा। प्रदर्शन में संयुक्त मोर्चा के संजय शर्मा, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, संहिता सरकार, कुमकुम वाला वर्मा, डेनियल मरांडी, राजेश कुमार उपाध्याय, शंकर कुमार, संजीव वोराल, मनोज कुमार लाल, रोशन कुमार, विवेक, गौरव आनंद, श्वेता, विनय कुमार, सुनील कुमार वर्मा, अभय कुमार, श्वेता कुमारी, मनोज कुमार, दीपक पासवान, नीरज कुमार सिंह, अनिल कुमार वर्मा, अमित कुमार डे, प्रवीण हांसदा, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रीतम कुमार, अंशु सिंघानिया, शबा परवीन, प्रभाष शर्मा, गौरव कुमार, संजय कुमार शर्मा, महेश्वरी वर्मा, प्रदीप कुमार, पंकज कुमार सहित तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। हम द्वार प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि LIC का जो IPO लाने का उन्होंने निर्णय ले रखा है उसे अविलंब वापस लिया जाए। हम लोग सभी जानते हैं कि LIC 1956 में 5 करोड़ के पूंजी से प्रारंभ होकर अभी 34 लाख करोड़ से भी अधिक की परिसंपत्तियां अर्जित कर ली है। LIC इस देश में 42 करोड़ लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है। LIC पंचवर्षीय योजना में के कुल खर्च का 20% निवेश करती है। प्रत्येक वर्ष LIC केंद्र सरकार को 5 लाख करोड़ से अधिक का योगदान निवेश में देती है और LIC को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक रीढ़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे संस्था का अगर IPO लाया जाता है तो निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। हम सभी जानते हैं कि IPO वैसे कंपनी को आता है, वैसे कंपनी का लाया जाता है जिसे पूंजी की आवश्यकता होती है। हमें पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है और उल्टे हम जब भी इस देश को पूंजी की आवश्यकता पड़ती हो, चाहे भारतीय रेल को 1,50,000 करोड़ देने की बात आई, चाहे RBI बैंक को बचाने के लिए 72,000 करोड़ का निवेश का जरूरत पड़ा तो LIC ने किया। और ऐसे संस्था का अगर IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण किया जाता है तो समझना है इस देश के वासियों को कि केंद्र सरकार की नीतियां क्या है, कैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार बेच रही है, कैसे पूरे देश को कॉरपोरेट के पास ले जा रही है। और हमें इसलिए इसका विरोध करना है। LIC और GIC में 1 अगस्त 2017 से वेतन पुनरीक्षण बकाया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और प्रबंधन के द्वारा इस पर अनावश्यक रूप से देरी की जा रही है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वेतन पुनरीक्षण किया जाए। यह प्रदर्शन बैंकिंग सेक्टर के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को पूर्ण समर्थन देता है और केंद्र सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की नीति का विरोध करता है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा का निजीकरण नहीं करें, जो देश हित में नहीं है। ये सिर्फ बैंकों और LIC को बचाने की बात नहीं है, ये लड़ाई जो है आम जनता के छोटे छोटे बचत को बचाने की लड़ाई है, इस देश के आर्थिक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। और हम आपके माध्यम से आम जनता से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आज समय आ गया है कि इस देश के संविधान को बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर 18 मार्च को हम लोग 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र हित में चल रहा आंदोलन रंग दिखाने लगा है। भीषण गर्मी को देखते हुए परिषद के सदस्यों ने कॉलेज प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। सोमवार को कॉलेज प्रशासन ने सभी वाटर फिल्टर को मरम्मत करवाने का कार्य शुरू कर दिया। छात्र हित के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उठाया जा रहा आवाज रंग दिखाने लगा है। हाल के दिनों में परिषद के सदस्यों ने कॉलेज प्रशासन से गर्मी को देखते हुए पेयजल सुविधा बहाल करने की मांग की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरडी कॉलेज इकाई द्वारा उठाए गए मांग को अमली जामा पहनाते हुए कॉलेज प्रशासन ने सभी वाटर फिल्टर को यथाशीघ्र मरम्मत करवाने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। परिषदले के सदस्यों ने इसे छात्र संगठन की जीत करार देते हुए कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार को साधुवाद दिया है। आज का यह अंक
सत्र आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।